हाय फ्रेंड्स वेलकम टू फते कॉम एंड दिस इज़ नवनीत आज की जो वीडियो है वो अभी जो विजाग विशाखापट्टनम में एक इंसिडेंट हुआ था इस के, एक केमिकल फैक्ट्री में एक, एक गैस जो थी वो लीक हुई थी तो आज हम उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे ये जो इंसिडेंट हुआ था वो एक गैस आ, की वजह से हुआ था जिसको स्टायरिन गैस बोलते हैं तो वो स्टायरिन गैस क्या है क्या उसके यूसेजेस हैं क्या उसके हेल्थ हा, हा, हाजट्स क्या हैं और ये कौन सी फैक्ट्री थी जहाँ से ये गैस रिलीज़ हुई उसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल जो है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे आ, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली विजाग विशाखापट्टनम में एक पॉलीमर फैक्ट्री जिसको एल जी कैम करके जाना जाता है वहाँ से एक गैस लीक हुई थी स्टायरिन गैस जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जाने भी गई और काफ़ी लोग जो थे वो हॉस्पिटल में पहुँचे तो आज हम उस गैस के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो स्टायरिन गैस जो है ये बेसिकली एक मोनोमर है पॉलीस्टाइरिन का जो कि एक पॉलीमर है अगर हम मैं आपको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊँ तो ये जो अगर हम अपनी बॉडी का ही देख लें तो बॉडी में हमारे कार्बोहाइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि पॉलीमर्स होते हैं और ये पॉलीमर्स बनते कैसे हैं शुगर मॉलिक्यूल से एक शुगर मॉलिक्यूल जो होता है उसको हम मोनोमर बोलते हैं अगर उन शुगर मॉलिक्यूल्स uh, की अगर हम चेन बना दें तो वो मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं वैसे ही अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स है ना हम बोलते हैं तो अमीनो एसिड्स क्या है वो बेसिकली मोनोमर है और वो मिलकर जो है वो एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं तो वैसे ही स्टायरिन जो है वो एक मोनोमर है जो मिलके उनका जो एक चेन है वो मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं जो एक अपने आप में एक वर्सेटाइल प्लास्टिक है ये जो पॉली ये जो स्टायरिन है ये बेसिकली बेंजीन का ही डेरिवेटिव है स्टायरिन का फार्मूला C8H8 होता है जबकि बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है अब बेंजीन जो होता है वो कहाँ से मिलता है वो क्रूड ऑयल से मिलता है नेचुरल फॉर्म में अगर हम फॉरेस्ट फायरस की बात करें या वॉल कैनोज की बात करें तो वहाँ से भी बेंजीन जो है वो मिलता है बेंजीन को हम बेंजीन की भी बहुत सारी यूसेजेस हैं जैसे कि वो डिटर्जेंट्स बनाने में यूज़ होता है जैसे कि वो गैसोलिन में यूज़ होता है है ना बहुत सारी चीज़ें हैं टायर्स में यूज़ होता है रिजेंस में यूज़ होता है ट्यूब्स में यूज़ होता है तो वैसे ही इसी का ही डेरिवेटिव जो है वो स्टायरिन है और स्टायरिन जो एक मोनोमर है मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं जो इनका जो चेन है वो एक पॉलीमर बनाती है जिसको पॉलिस्ट बोलते हैं जो अपने आप में एक वर्सेटाइल तरीके का प्लास्टिक है जिसको हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स आपके घरों में हैं वहाँ पर भी उसमें पॉलिस्ट जो है वो यूज़ होता है देन माइक्रो ओवनस में यूज़ होता है ठीक है फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर है उसमें पॉलिस्ट यूज़ होता है ठीक है फिर उसके बाद लेबॉर्ट्रीज वग़ैरह में जो इक्विपमेंट्स जाते हैं वहाँ पे भी जो है वो पॉलिस्ट यूज़ होता है इवन फूड पैकेजिंग में यूज होता है जो डिस्पोजेबल होते हैं ठीक है थीके? ये डिस्पोजेबल है ये भी क्या है ये बेसिकली पॉलिस्टायरिन ही है ठीक है और इसके साथ साथ थर्मोकोल तो अब सब लोगों ने देखा होगा तो थर्मोस्टोल थर्मोकॉल भी क्या है पॉलिस्टाइरिन है ठीक है हम बचपन में बनाते थे ना थर्मोकोल के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो वो क्या है बेसिकली वो पॉलिस्टायरीन ही है ठीक है तो इसके बहुत सारे यूसेजेस हैं अब बात करते हैं कि ये जो स्टायरिन गैस थी वो कैसे क्यों रिलीज हुई क्यों ऐसे हुआ फैक्ट्री में कैसे है ना और बहुत सारे लोगों की जाने गई बहुत सारे लोग उनसे इम्पेक्ट हुए तो ये जो स्टायरिन गैस है बेसिकली इसकी कुछ पैरामीटर्स होते हैं इसको स्टोर करने के कंटेन करने के फ़ॉर एग्जांपल कि इसकी जो कैपेसिटी है जिस टैंक में इसको स्टोर करके रखते हैं इस कैपेसिटी पूरी तरह से फुल नहीं होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपनी में जो जिस टैंक से ये गैस रिलीज़ हुई थी उस टैंक की कैपेसिटी जो थी वो ट्वेंट 2400 टन्स थी और इन्होंने जो गैस स्टोर करके रखी थी वो 1800 टन्स थी ठीक है और ये जो गैस रिलीज हुई है अराउंड 900 टन गैस जो थी वो वहाँ से रिलीज हो गई थी आप हिसाब लगाओ लेकिन चलो ये तो इन्होंने पैरामीटर बिल्कुल फॉलो कर रखा था है ना पूरा फुल नहीं थी कैपेसिटी अगर फुल हो, हो तो क्या होगा कि वो रप्चर टैंक जो है वो रप्चर कर सकता है इन केस तो बहुत ज़्यादा उससे जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा और इसका जो सबसे फॉर मोस्ट इसका जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो स्टायरिन गैस है उसको हमेशा लिक्विड फॉर्म में जो है वो स्टोर करके रखते हैं और ये बहुत ईजिली अवेपोरेट हो जाता है इसके लिए इसको जो है वो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बिलो ही स्टोर करके रखना होता है अब हुआ क्या होगा इस जो ये जो विजाग में विशाखापट्टनम में यही जो इंसिडेंट हुआ है ये एल जी कैम कंपनी जो थी फैक्ट्री जो थी उसमें जो इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे हुआ क्या होगा अब कैपेसिटी तो उनकी ठीक थी 1800 सौ टन थी चौबीस सौ टन का टैंक था अब हुआ क्या होगा बिकॉज लॉकडाउन हुआ था फोर्टी फोर डेज़ तक जो फैक्ट्री थी वो बंद रही थी अब क्या करते हैं कि ये जो स्टोरेज टैंक होता है ना उसके साथ एक इनहिबिटर टैंक जो है वो अटैच कर देते हैं इनहिबिट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है ना तो वो इनहिबिटर टैंक क्या करता है वो उस टेम्परेचर को राइज होने से रोकता था स्टेबल रखता था अब हुआ क्या होगा कि अब जब 44 डेज फैक्ट्री जो थी वो बंद रही अब कंपनी के ऑफिशियल्स तो कहते हैं कि हमने वहाँ पे दस पंद्रह बंदे जो थे वो कॉन्टिन्यूसली वो मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को बट हुई तो होगी उनसे चूक ठीक है हो, हो सकता है उन, उनका ध्यान ना गया हो कहीं और पे ध्यान दे रहे हों ठीक है तो हुआ क्या मतलब इन बिटवीन उनसे ध्यान नहीं रख पाया और वो जो इनहिबिटर उन्होंने अटैच कर रखा था स्टोरेज टैंक के साथ वो उस टेम्परेचर को स्टेबल नहीं कर पाया और गैस जो थी वो सीलिंग पे जाके जाकेमुलेट हो गई होगी जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ कर गया होगा और गैस जो थी वो रिलीज़ हो गई ठीक है अब टैंक प्रॉपरली क्यों रप्चर हुआ इसका तो रीज़न उन लोगों ने नहीं बताया है लेकिन यही माना जा रहा है कि वो टेम्परेचर जो था वो वहाँ से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से राइज हो गया जिसकी वजह से गैस जो थी वो वहाँ से लीक हो गई जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा अब बात करते हैं इस आ, आ, इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स की अब देखा जाए तो आपने वीडियोस तो देखी ही होंगी कि कैसे लोग जो थे वो वहाँ से जो पास से गुजर रहे थे कैसे वो मतलब फेंट होकर गिरी जा रहे थे कुछ लोगों की जाने भी चली गई अब होता क्या है इस गैस से ये जो गैस है वो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और उसके साथ जो हमारी म्यूकस मैम्ब्रेन है अब म्यूकस क्या होता है जो हमारा नोज है अगर आप देखो है ना नोज हो गया हमारी आइज़ हो गई हमारा माउथ हो गया हमारे स्टमक हो गया इंटेस्टाइन हो गई अंदर हर एक लेयर जो है वो म्यूकस मैम्ब्रेन के साथ प्रोटेक्टेड है अगर म्यूकस ना हो तो क्या होगा ड्राई हो जाएगा ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी हमें खाना जैसे अगर हम स्टमक की ही बात करें हमारे स्टमक में जो है वो एचसीएल होता है है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कहीं ना कहीं जो आ, फूड के साथ हम ये जो मतलब कैसी भी चीजें खा लेते हैं है ना तो वो एच क्या कहता है वो कैसी भी चीज़ों को जो है वो खत्म कर देता है ना उनके हार्मफुल इफेक्ट्स को हमारे जो हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर हावी नहीं होने देता है लेकिन अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करके ना रखे तो क्या होगा हम वही एच जो है वो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उसको रप्चर करना शुरू कर देगा और वहाँ पे अल्सर्स हो जाएंगे ठीक है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी बॉडी में वैसे ही हमारे नाक में भी है आंखों में भी है म्यूकस मेम्ब्रेन तो ये क्या होता है इस गैस से ये जो म्यूकस होती है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है तो हमें इरीटेशन होती है हमें सांस लेने में दिक्कत आती है हमें चक्कर आते हैं हम चक्कर खा के गिर जाते हैं हम चल नहीं पाते हैं ठीक है तो ऐसे ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं तो ये है ये तो है सारे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स जो वहाँ पे गैस लीक हुई तो लोगों को उससे इम्पैक्ट हुआ अब इसके कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर गैस से किसी का एक्सपोजर बहुत लंबे समय तक रहता है तो उस बंदे को लिकीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड कैंसर जिसको हम बोलते हैं ठीक है और साथ में परमानेंट उनको हैडेक्स रहते हैं और इसके साथ साथ आ, इस अगर शॉर्ट टर्म की भी अगर हम बात करें तो वो लोगों की ज़्यादा इनको मतलब ख़तरा होता है स्टायरिन गैस से जिन लोगों को अस्थमा वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो जो पलमरी प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमरी जिसको हम बोलते हैं जैसे टी वगैरह टिबर वगैरह जिनको होता है सांस लेने में वैसे भी उनको कितनी दिक्कत आती है ना तो उन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही फैटल है ठीक है तो उन लोगों की जाने जरूर इससे जाती हैं तो ये तो थे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स अब बात करते हैं हम इस कंपनी के बारे में एल जी कैम कंपनी के बारे में ये जो एल जी कैम कंपनी थी ये ओरिजिनली हिंदुस्तान पॉलीमर करके इस्टेब्लिश हुई थी अराउंड 1961 में उसके बाद 1978 में ये कंपनी जो थी मर्ज हो गई थी मैकडोवल एंड कंपनी के साथ जो यूबी ग्रुप का एक पार्ट था उसके बाद 1997 में ये जो कंपनी थी जो ओरिजिनली हिंदुस्तान पॉलीमर्स थी इसको टेक ओवर कर लिया गया था एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी ने जिसका नाम था एल जी कैम उसके बाद इसका नाम जो था वो एल जी कैम ही पड़ गया तो ये कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है तो अब हुआ क्या था आ, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे वहाँ पे जो मेन वहाँ का जो रीज़न बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि जो इसकी मेन जो पैरामीटर इसको फॉलो करना होता है कि जो ये जो गैस है उसको बिलो ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ही सॉल्व क्या उसे कहते हैं स्टोर करके रखना होता है वो नहीं हो पाया होगा ठीक है और इसकी वजह से वो गैस जो थी वो लीक हो गई और आसपास में उसने हड़कम बचा दिया तो इतना ही आपको जो है वो याद रखना है स्टाइरिन क्या है किसका पॉलीमर है किसका डेरिवेटिव है बेंजीन का डेरिवेटिव है जैसे बेंजीन जो है वो प्लास्टिक्स में मेनुफैक्चर करने में यूज़ यू, यू, यू होता है, है ना बेंजीन के तो और भी बहुत सारे जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया इसके साथ साथ ये जो पॉलीस्टायरन है वो बहुत सारे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक इक्विपमेंट्स में मैन्युफैक्चर करने में जो है वो यूज़ होता है ठीक है और इसके साथ मैंने आपको इसके हेल्थ एजेस जो है वो बता ही दिए हैं सो आई थिंक आपको ये इन्फॉमेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिए और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए थैंक यू वेरी मच